एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो मोर्टल वर्ल्ड के दरवाजे को ढूंढ रहा था और आखिर में उसे मोर्टल वर्ल्ड का दरवाजा मिल जाता है, जिसे देखते ही वो कहता है आखिरकार अब मैं सभी मोर्टल्स पर राज करने वाला हूँ। और डीमन लॉर्ड उस दरवाजे के अंदर जाने ही वाला था तभी वहाँ पे एम्परल जुआन आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी भी डीमन को मोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने नहीं दूंगा। पर डीमन लॉर्ड उसकी बातों सुनकर भी नहीं रुकता और अंदर जाने लगता है और जाते जाते अपने डीमन ओरा का रिलीज करने लगता है। तभी एम्परल जुआन उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो डीमन लॉर्ड एम्परल जुआन के अटैक को रोक देता है और एम्परल जुआन पर एक और अटैक करके उन्हें पीछे कर देता है। फॉर्मेशन बनाकर डीमन लॉर्ड एम्परल जुआन पर मल्टीपल अटैक करने लगता है और वो भी एक ही साथ। लेकिन एम्परल जुआन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो अपनी पावर के हिसाब से उस अटैक से बच जाते हैं और फिर एम्परल जुआन भी उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन डीमन लॉग बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए एम्परल जुआन के किसी भी अटैक का उसके ऊपर कोई भारी असर नहीं हो रहा। तभी डीमन लॉर्ड एम्परल जुआन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है तभी एम्परल जुआन अपने सामने एक लाइट फॉर्मेशन बना देते हैं जिससे टकरा कर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एम्परल जुआन डीमन लॉर्ड को चेतावनी देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें किसी भी तरह से इमोर्टल वर्ल्ड को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और फिर इतना कहते ही वो अपनी स्पेयर से डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण अपने एक ही हाथ से उनके स्पेयर को रोक देता है और फिर उन पर एक जोरदार पंच धर देता है जिसके लगते ही एम्परल जुआन बहुत दूर चले जाते हैं। एम्परल जुआन फिर से उस डीमन लॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डीमन लॉर्ड अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करता है और उनके सभी वार से बच जाता है। फिर डीमन लॉर्ड अपने डार्क पावर से एम्परल जुआन का गर्दन पकड़ लेता है और फिर अपनी फुल पावर से जमीन पर फेंक देता है जिससे एम्परल जुआन की हड्डियां टूट जाती हैं। एम्परल जुआन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे तभी उनके पास डीमन लॉर्ड आता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुमसे जितनी उम्मीद की थी तुम उससे कई ज्यादा ताकतवर निकले, मुझे तुम्हें कम ताकतवर आंकना नहीं चाहिए था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे अब नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहते ही डीमन लॉर्ड वहां से चला जाता है और फिर डीमन लॉर्ड वहां से मोर्टल वर्ल्ड के दरवाजे की तरफ जाने लगता है और जाते जाते सोच रहा होता है कि अब फिर मैं सभी मोर्टल्स पर राज करूंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परल जुआन दिखाए जाते हैं जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें और फिर एम्परल जुआन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर एक साथ रिलीज करते हैं जिससे वो लाइट स्पीड की मदद से सीधे इमोर्टल दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। और फिर वो डीमन लॉर्ड से कहते हैं चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो पर मैं तुम्हें इमोर्टल वर्ल्ड पे राज करने नहीं दूंगा। तभी डीमन लॉर्ड खुश होते हुए कहता है कि तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर लिया है मुझे रोकने के लिए, मुझे लगता है कि तुम अब अपनी और भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करोगे तो अब तुम जीवित नहीं रह पाओगे इसलिए तुम मारे जाओगे और मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझे ज्यादा देर तक रोक पाओगे। तभी लॉर्ड एम्परर अपनी सारी एनर्जी को एक हाथ में इकट्ठा करता है और ये देख एम्परल जुआन भी अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने लाइट एनर्जी में इकट्ठा करते हैं। फिर दोनों ही एक साथ अपने एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड की डार्कनेस एम्परल जुआन के लाइट एनर्जी को अपने अंदर कन्वर्ट कर रही थी और तभी एम्परल जुआन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी डार्कनेस को खत्म कर देते हैं और अपनी पूरी लाइट पावर से उस डीमन पर अटैक कर देते हैं जिस अटैक के कारण डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उससे नहीं बच पाता और डीमन लॉर्ड वहीं पर मर जाता है। फिर हमें एम्परल जुआन दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड का किंग हूँ और मैं किसी को भी इस इमोर्टल वर्ल्ड पर राज नहीं करने दूंगा और वो सोचते हैं कि अब मैंने स्पिरिचुअल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है जिसके कारण मुझे ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी और मैं अपनी इस बॉडी में नहीं रह सकता। और इतना कहते ही उनकी बॉडी एक स्प्रिट में बदल जाती है और वो मोर्टल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने अचानक ही अपनी आंखें खोली थी जो शायद हमारी सीरीज का एक मेन करेक्टर होने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जियान सेक के अंदर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कल्टीवेशन कर रही होती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था तभी वो अचानक लड़की अपनी आंखें खोलती है। फिर वो ऑरा अपनी चारों तरफ फैल जाता है जिसके बाद हम एक तेज रोशनी को देखते हैं जो आसमान की तरफ जा रही थी और वो ऑरा पूरा इस लड़की के अंदर से ही निकल रहा था। तभी वहाँ पर जेंग यन सेक का एक लीडर वहाँ पर आ जाता है और वो बड़ी खुशी के साथ बताते हैं कि तुमने इमोर्टल वर्ल्ड के बॉडी को हासिल कर लिया है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सियान सेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का आ रहा होता है जो हमारी सीरीज का मेन हीरो होने वाला है और ये स्टोरी पूरी इसी के आसपास घूमती रहेगी।
इस लड़के का नाम ये चैन होता है, जिसको हमारे लीडर ने बुलाया होता है। ये चैन लीडर हु से पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया मिशन है, यदि तुमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो तुम हमारे सेक को बचाने में कामयाब हो जाओगे, यदि तुम इस मिशन में फेल हो जाते हो तो हमारा सेक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस मिशन पर जाने से पहले तुम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट से कुछ बहुत बढ़िया डिसाइबल्स को चुन सकते हो जो तुम्हारे साथ जाएंगे, और फिर तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेके आना है। ये चैन मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर जरूर आऊँगा। और इतना कहते ही मास्टर उसे एक कार्ड देते हैं और ये चैन से कहते हैं कि तुम इस मिशन के दौरान सावधान रहना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्लड सैक की तरफ आ जाता है, जहाँ पे हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने डिसाइबल्स को बताता है कि स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर हो चुकी है और मैं अब तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ जो तुम्हें किसी भी हालत में कंप्लीट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरे सेक को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग यून सेक होता है, जहाँ पर सेक की लीडर अपने एक डिसाइबल एलवी के पास आती है और उसे कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी फिर से अपेयर हो चुकी है और अब वो भी उसे टास्क देती है जो उसे किसी भी हालत में पूरा करना होगा। और फिर हमें एक और सेक दिखाया जाता है जिसका नाम हांग यू सेक होता है, जहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चू जू वांग होता है, और उसे अपने सामने एक काफी तेज रोशनी नजर आ रही थी जो सीधे आसमान की तरफ जा रही थी, और ये तेज रोशनी उसी लड़की कल्टीवेशन करती हुई लड़की के शरीर से निकल रही थी, जिसे देख वो लड़की समझ जाती है कि अब ये फिर से स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर हो चुकी है। और फिर वो सोचती है कि यदि किसी सेक ने इस स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल कर लिया तो वो हम सभी सेक से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उन्हें कभी भी हरा नहीं पाएंगे और मुझे ये होने से किसी भी हालत में रोकना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये चैन दिखाया जाता है जो उड़ के कहीं जा रहा होता है, जो कि स्पिरिचुअल मेडिसिन को ले आया था, जो उड़ते हुए अपने सेक की तरफ ही जा रहा था, तभी उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जिन्हें वो काफी आसानी से मारते हुए जा रहा था। तभी ए चैन के साथ आया हुआ एक डिसेबल उसे कहता है कि हम लोग ब्लैक माउंटेन के एरिया में पहुंच चुके हैं जो हमारे एरिया में आता है और हम यहाँ पर अब सेफ हैं। तभी उसका तीसरा दोस्त उससे पूछता है, कांग यान, जो कि ए चैन का साथी होता है, और वो कहता है तुम्हें इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया है, तुम्हें ये पता है कि इस स्पिरिचुअल मेडिसिन में क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये चैन चुप होते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके रास्ते में कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये चैन के सभी साथी घायल हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये अटैक किंग यून सेक के एक एलवी ने किया था। एलवी को देख ये चैन घबरा जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एलवी इनसे काफी ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों उसे मिलके नहीं हरा सकते। तभी एलवी उनके ऊपर अटैक कर देता है, तभी ये चैन अपनी स्वॉर्ड से एलवी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी एलवी बड़ी ही आसानी से अपनी पावर के हिसाब से उसे रोक देता है। तब ये चैन को समझ नहीं आता कि अब वो कैसे अपनी रक्षा करे, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा के एलवी के ऊपर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी बहुत ही तेज था और उससे ज्यादा काफी पावरफुल था, इसलिए वो उसके सारे अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक करते जा रहा था। तभी एलवी ये चैन के ऊपर जोरदार किक झड़ देता है, जिससे ये चैन काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है, और फिर एलवी उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे एलवी काफी ज्यादा ये चैन को मार देता है और ये चैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और उसके बाद ये चैन एलवी को डिसाइबल के पास जाता देख ये चैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी एलवी उसके डिसाइबल पे अटैक करने ही वाला था, तभी ये चैन उठ के उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने डिसाइबल की जान बचाते हुए उसे वहां से भाग जाने को कहता है, और ये चलकर डिसाइबल उसकी बात सुनते ही वहां से भाग जाता है। और एलवी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो चीज है मैं उसी के पीछे हूँ, और तुम्हें भी पता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यदि तुम्हें ये अपनी जान बचानी है तो तुम वो चीज मेरे हवाले कर दो। पर ये चैन किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से एलवी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस अटैक से एलवी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बड़ी ही आसानी से उस अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है, और अपने एक ही भयानक अटैक से ये चैन की हालत खराब कर देता है, जिसके कारण ये चैन जमीन पर पड़ जाता है। तभी एलवी फिर से ये चैन से स्पिरिचुअल मेडिसिन की डिमांड करता है। फिर ये चैन हंसते हुए कहता है, स्पिरिचुअल मेडिसिन तो मैंने अपने डिसाइबल को दे के अपने क्लैन सेक भेज दिया है। जो बात सुन एलवी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो ये चैन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और फिर ये चैन का इनर कोर तबाह हो जाता है,
और अब हमें लगता है कि ये चैन मारा गया है और एलवीवी को ये लगता है कि ये चैन अब मारा गया है। इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी जो हम अपने चैनल पे कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।